नमस्कार, मैं दीपांजलि मोइत्रा। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार के मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी मात दे दी। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत ठीक ठाक हुई। कप्तान बाबर आजम ने रिजवान के साथ पारी की शुरुआत की। पहले विकेट के लिए दोनों ने 28 रन जोड़े, जिसके बाद फॉर्म में चल रहे रिजवान 14 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान बाबर आजम ने 29 गेंदों पर 30 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। वहीं श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 17 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका की ओर से पाथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 55 रनों की पारी खेली, वो नाबाद पवेलियन लौटे। हालांकि ये मुकाबला फाइनल के रिहर्सल भर था, क्योंकि पहले ही दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गईं। अब रविवार को यही दोनों टीम फाइनल मुकाबले में खेलेंगी। हालांकि जीत के साथ श्रीलंका का जोश हाई होगा। एशिया कप के अब तक 14 संस्करण हुए, जिनमें से भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार खिताब अपने नाम किया। दूसरे नंबर पर श्रीलंका टीम है, उसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने ये खिताब 2 बार अपने नाम किया। अब देखना होगा कि रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम इस बार खिताब अपने नाम करती है।